कुछ लोग ऐसे भी हैं, कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या सर उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि पैरा नंबर पॉइंट नंबर 8 रीड कर लिया और ये सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये जॉब्स टेम्परेरी है या परमानेंट है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, काइंडली क्लियर कर दीजिए। इसमें वो समझेंगे कि वेदर दे आर टेम्परेरी, दीज जॉब्स आर टेम्परेरी और परमानेंट। तो 8th पॉइंट है, आप भी रीड कर सकते हो, क्या बात है, 8th पॉइंट है, 8th वीडियो है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये पैरा नंबर है, ये आप खुद रीड कर लीजिए, यहाँ लिखा है दीज पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड। अच्छा ये बात ऐसे है कि मैंने खुद अभी एडवोकेट को फोन किया, ये पैरा भेजा, उनसे इंटरप्रिटेशन करवाई, तो उन्होंने जो बताया वो आपसे क्लियर करने लगा हूं, क्योंकि सबसे बढ़िया मीनिंग जो है वही हमको बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लूंगा, ये वाला ब्लू ले लेते हैं, ये भी, हाँ ये ठीक है, ओके। तो उन्होंने बताया कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, ठीक, कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद ये आपके हेड साहब हैं, ओके, ये रहे हेड, ठीक है, तो आप जॉब कर रहे हो इसमें, तो जॉब करते हुए आपको कितना टाइम हो रहा है, ये शुरू हो गया, ये हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, यहां तक एक, सॉरी 0, 1, 2, 3, ये 3 साल के लिए आपकी जॉब टेम्परेरी है, ठीक। उसके बाद इनको हक है इवेल्युएशन का, ये 3 साल ये आपका वर्क और आपके एथिक्स, आप मॉरल रहते हो और कोई क्राइम तो नहीं करते, तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको पूरी अथॉरिटी है कि आपको डिसअप्रूव कर दे, मतलब कि आपको टर्मिनेट कर दे। इसके पीरियड के बाद अप्रूवल आपको मिलती है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो, ठीक है। परमानेंट होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब से निकालना बड़ी ही, जैसे एडवोकेट साहब ने मुझे बताया, वेरी टफ प्रोसीजर, तो वो जल्दी नहीं हो सकता। दैट इज वाई के गवर्नमेंट जॉब वाले एजिटेट कर सकते हैं, कभी देखा है प्राइवेट वालों ने, जैसे आप देख रहे हो कि प्राइवेट वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते, इवन उनकी एसोसिएशन तक नहीं है टीचर्स की, कि हम अपना हक, अपना जो भैया थोड़ा हमारा खून थोड़ा कम चूसो, ये भी नहीं बोल सकते वो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में सभी जाना चाहते हैं, जब ये परमानेंसी मिल जाती है। हाँ हमें ड्यूटीफुल रहना चाहिए, होता क्या है नहीं होता ये मैं बात यहां नहीं करूंगा, तो आपको परमानेंट इसके बाद कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई दुचित्ती लगती है, तो आपने अभी तक कोई देखा है कि जिनको परमानेंट नहीं किया गया? कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीच कर रहे हैं, उनको रेगुलर तो नहीं कर रही, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कितनी देर से एजिटेशन हो रही है, जहाँ प्राइमरी वालों में, सेकेंडरी वालों ने एजिटेशन की है। लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है, एजिटेशन तब होती है जब इनजस्टिस होता है, लेकिन उन मुद्दों को आपको समझ लेना चाहिए कि किस हद तक इनजस्टिस हो रहा है, कैसे एजिटेशन करके उनको हक मिल भी गए हैं, कौन से हक उनके मारे गए हैं, क्या उनको टेम्परेरी से परमानेंट नहीं किया गया। मैंने कुछ टीचर्स की ऐसे इंटरव्यू ली, जो डाटा मेरे सामने आया वो आपके सामने रखने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेंडू सहयोगी टीचर थे, ठीक, इतने टीचर की ये अपॉइंटमेंट हुई थी, इनको बोलते ही जैसे 51-78 है बोलते। आप ये देखना कि इनकी एक डिफरेंट यूनियन बन जाती है, ओके। आपकी भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की जितने टोटल नंबर ऑफ टीचर हैं, इनकी यूनियन बन जाएगी, अब तो मीडिया अवेलेबल है,
तो यूनियन बन जाती है जब भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है। इनकी दो तरह की सीट्स होती हैं, ये भी समझ लीजिए आप। एक वेकेंट सीट होती है कि पिछला कोई टीचर रिटायर हुआ है उसकी जगह बची है, और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि न्यू जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। तो इस हालत में गवर्नमेंट चेंज इन रूल सैलरी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वेकेंट सीट है तो गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को कोई दखल नहीं यहां देना होता। अच्छा, इनकी जब रिक्रूटमेंट हो गई तो इनको प्रोबेशन मिल गया। प्रोबेशन कितने का मिला? 3 साल का। ठीक, कितने इनको सैलरी कितनी मिली? सैलरी मिलने लगी इनको 6,000। ठीक, ये सच है, जो भी है आपके सामने है। ओके, 3 साल के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? जैसे गवर्नमेंट कर सकती है, ये गलत हुआ इनसे, 2 साल इनके और प्लस कर दिए, काले कर दिए गए 2 साल तक। इट मींस इनसे वादा किया गया था कि 3 साल तक को 6,000 मिलेगा, लेकिन मिला कितना? 5 साल हो गए। 5 साल के बाद इन्होंने फिर एजुटेट किया है कि हमें वो 2 साल की सैलरी मिलनी चाहिए। इनको 5 साल बाद, टोटल 5 साल बाद इनको लगभग इतनी सैलरी मिल रही है। ठीक, तो ये एजिटेशन का कारण क्या है कि ये 2 साल जो इनको नहीं मिली, वादा किया गया था, इनको जस्टिस नहीं मिला, अभी तक भी इनको नहीं मिला। इस हद तक गवर्नमेंट कर सकती है। पर पॉजिटिव पॉइंट भी आप देख लीजिए कि एक दिन आया कि ये 6,000 से 45,000 तक पहुंच गए। अच्छा, दूसरा इनका क्या था गिला शिका अभी है जो, कि इनको सीनियर लिस्ट में नहीं डाला गया। इन टीचर को सीनियर लिस्ट में डालते तो क्या इनको फायदा होना था? कि जो लोग प्रमोशन है ना, प्रमोशन स्कूल लेक्चरशिप जिसको बोल देते हैं, जहाँ पीजीटी टीचर बोलते हैं, तो वो इनको सीनियर लिस्ट में डाला नहीं गया, जिसके कारण की प्रमोशन नहीं हो सकी। ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन इसको प्राइवेट से कंपेयर करके देख लीजिए कितने बेटर हैं। दूसरा केस है हमारे पास, सॉरी, हाँ, रमसा का। ओके, ये इनको 88-86 बोलते हैं, तो इनकी भी यूनियन बन गई। यूनियन बनने का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन इनकी जो है रिक्रूटमेंट हुई। रिक्रूटमेंट होने के कैसे रिक्रूटमेंट हुई? उसकी सैलरी जो सेंटर भी दे रही थी, ठीक, और स्टेट भी दे रही थी मिलके, तो इनकी रिक्रूटमेंट हो गई, इनको मिला 45,000 के करीब। ठीक, उस पर चलती रही। कितनी देर चली? 12 साल, लगभग 12 से 10। ओके, 10 साल के बाद क्या हुआ? सेंटर ने जो अपनी जो राशि वो देते थे वो विदड्रा हो गई, माइनस हो गई, विदड्रा हो गई। ओके, तो विदड्रा होने से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको ले आए 45,000 से, वो ले आए बेसिक पेपर 10। ठीक, तो इनको फिर ऑप्शन दी गई कि आपको रहना है। ऑप्शन दी गई, ऑप्शन में क्या था कि अगर आप डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट की हो गई, ठीक है, डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ये पोस्ट हो गई, तो अगर आप आना चाहते हो फिर से 10-12 साल 45 पर काम करके, ये इनजस्टिस है। फिर ऑप्शन दी गई, अगर आप डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपको फिर प्रोबेशन पर आना पड़ेगा। ये काला पेन यूज कर लिया मैं, प्रोबेशन। ओके, अब प्रोबेशन पर कितने? 3 साल के लिए। पहले शख्स 45 ले रहा है, 45 12 साल लेने के बाद फिर इतना डाउन आता है, उसको 3 साल के लिए कहा जाता है कि आप 10,300 लो। चलो, इन्होंने फिर इसलिए एजुटेट किया कि नहीं, हमें उतना मिलना चाहिए। इनको क्या हुआ कि एजुटेशन के बाद क्या हुआ, 3 साल की जगह 2 साल बाद इनको फिर परमानेंट कर दिया गया। पी हम मेरे ख्याल में, चलो रेड वाली लिख लेते हैं, परमानेंट कर दिया गया। कर तो दिया ना, मैं ये कहना चाहता हूं, जो नेगेटिव है वो भी आपके सामने रखा हूं, जो पॉजिटिव है वो भी, आपको दोनों को सोच के एनकरेज होना चाहिए जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा ये रहा,
और क्या पॉइंट है कि आपकी जॉब आपको परमानेंट समझनी चाहिए। ये देखिए कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वे गवर्नमेंट परमानेंट जॉब का क्या होता है, उसकी सेंट्रलाइज्ड, ये वाला कलर लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक, कुछ टीचर ऐसे भी रिक्रूट हुए हैं पिछले 10 12 15 सालों में जो इस प्रोसीजर से नहीं गुजर के गए। गवर्नमेंट कह रही है कि जंक कोर्ट कह रही है मुझे नहीं पता, तो इस प्रोसीजर से ना गुजरने के कारण आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। अब आप देखिए कि आपकी पोस्ट की है, यस सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है, डेट आ गई है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, यस प्योरली आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया गया है, कंपटीशन है, यस टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं है, अच्छी बात है क्योंकि इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी हुई तो वहाँ शफलिंग हो गई, भाई भतीजा वाले नोट वोट सब कुछ फिर चलता है। अच्छा मेरिट बनेगी, यस मेरिट कैटेगरी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार बनेगी, फिर अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा। तो ये प्रोसीजर से आप गुजर के जा रहे हो अगर आप यहाँ तक सेलेक्ट, अच्छा लगता है ना, सेलेक्ट हो जाते हो तो कोई माइका लाल आपको परमानेंट होने से नहीं रोक सकता। ये डिफरेंट है कि आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक, लेकिन परमानेंसी तो मिल रही है, तो मेरे ख्याल में डिस्करेज मत होइए। एक और पॉइंट है, वो भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट है। अच्छा, न्यूजीलैंड की लेबर, बड़े जी पॉइंट लग रहे हैं ना, न्यूजीलैंड की मान लीजिए लेबर है और इंडिया का ऑफिसर है, आपको लगता है दोनों का जो इक्वल है, लाइफ स्टेटस इक्वल है, वहां क्यों जाके लेबर करके भी हम बेटर फील करते हैं? व्हाई? यहां ऑफिसर हो मतलब फिर भी कितनी एज, हमारी एवरेज एज कितनी है, मेरे ख्याल में 62-64 है, और न्यूजीलैंड की कितनी है आप देख लेना नेट पे, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सब कुछ है, वहां लेबर कर रहे हो, यहां देखो ऑफिसर हो, फिर भी कितना फर्क है। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना है, कैसा है, टोटल डिफरेंस आप देख ले हो, इसीलिए माइग्रेट हो रहे ना, क्यों इंडिया क्यों छोड़ रहे हो यार, कारण तो है ना, आपको कंपेल किया जा रहा है, जब कहां कहीं कुछ मिलता है बेटर मिलता, हम हमेशा बेटर की तरफ जाते हैं, कुछ सोच के जाते हैं, अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, व्हाई? अच्छा, प्रिंसिपल इन प्राइवेट स्कूल एंड अटेंडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, इतनी एग्जांपल है कि अटेंडेंट उससे ज्यादा सैलरी ले रहा है प्राइवेट में से, क्या ये जस्टिस है? जस्टिस है हा? अच्छा नेक्स्ट है कि एक बस ड्राइवर, मेरे कोई इंटरेक्शन चल रही थी, डिटेल में नहीं बता सकता, तो बातों में ये पता चला कि उसने बताया कि मेरी सैलरी इतनी है, माय गॉड। तो मैंने कहा आप कितने पढ़े हुए? कहता कोई नहीं पढ़ा हुआ, 3-4 पास हूँ। तो एक पीएचडी होल्डर इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर लगा हुआ है, या असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है, या प्रिंसिपल लगा हुआ है, किसी पोस्ट पर है, देखिए पीएचडी होल्डर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रिंसिपल तक हो, क्या आपको इतनी सैलरी मिल रही है विद सेटिस्फेक्शन? अच्छा, जो वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा था वो मैं बता ही नहीं सकता। ठीक, तो ये जस्टिस है? ये जस्टिस है नहीं, दैट इज वाई मैं क्यों ये बता रहा हूं कि आपको बस सोचे बिना जितना संघर्ष करके आप जॉब इसको प्राप्त कर सकते हो, मेहनत करके एथिकली, तो वो प्राप्त कर लेनी चाहिए हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट के ये जो टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट में, ठीक है, और परमानेंट प्रिंसिपल है इन प्राइवेट कॉलेज में, सच में देख लेना, दोनों की इंटरव्यू लेके देखना क्या इक्वल है दोनों।
और ये बात सोचना, आपकी वो पीछे बता के आया हूँ कि इतने आपकी भी जब ये सिलेक्शन हो गई तो आपकी एक यूनियन बन जानी, आपका एक ग्रुप बन जाना, जो भी सिलेक्शन इकट्ठी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए इकट्ठे, अपने हक के लिए आप यूनाइट होते हो, ठीक है। कोलबर्ग की सेकंड स्टेज पर वो लोग जी रहे हैं। अच्छा, कैन यू डिमांड जस्टिस प्राइवेट में डिमांड कर सकते हो? कैन यू मेक एसोसिएशन प्राइवेट वालों के, कोई एसोसिएशन है पंजाब में? शायद चलो बनने लगी थी, एक एफर्ट किया उन्होंने, चलो बाहर निकाला उनको, उनकी हालत ऐसे की वो एसोसिएशन क्या, जस्टिस क्या, डिमांड कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना के प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन, कार्ल मार्क्स जो कह के गए हैं, जो बोल के गए हैं, तो उनको रिकॉल करने की जरूरत है कि एक्सप्लॉयटेशन की हद की भी हद होनी चाहिए, उससे गुजर चुके हैं, पर किसी को कोई परवाह नहीं है, ये सच है। तो इतना कुछ देखते हुए कुछ मत सोचिए, आप बेटर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी हैं। मुझे कई फोन जहाँ ऐसे आए हैं, मैं नाम नहीं इंस्टीट्यूट का ले रहा, मैं उनको साफ बोल रहा हूँ, जितना मर्जी अच्छा है, लेकिन चले जाओ, संघर्ष करो, डिस्करेज मत हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। अगर निकल सकते हो, अगर कर सकते हो, मैं इंटरव्यू रियल की आपके सामने रिकॉर्डिंग नहीं पेश कर सकता, अदरवाइज कोई भी डिस्करेज प्लीज मत होइए, कंपीट कीजिए एथिकली, मॉरली और कॉग्निटिवली, अपनी मंजिल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आके मेरे से बात कीजिए। थैंक यू।